हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अभी मैंने बहुत ही कमाल की दो वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, तो मैंने कहा कि आज हमने जब सिर्फ क्रम्बलिंग व्लॉग बनाना है और हमें कोई व्लॉग नहीं बनाना, कोई बात नहीं करनी, क्योंकि सबको मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छी लग रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा कि आज क्यों ना व्लॉग के अंदर बहुत ज़्यादा क्रम्बलिंग करके अपनी ऑडियंस को खुश कर दिया जाए। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे लास्ट व्लॉग के नीचे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि इजी हमारा भी नाम ले, इजी हमारा भी नाम ले। तो इजी बहुत जल्द आपका नाम लाइव लेंगी, डोंट वरी, बस कीप सपोर्टिंग एंड वेटिंग फॉर योर अनाउंसमेंट ऑफ योर नेम। तो मैंने कहा कि चलें आज वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद काफ़ी सारी व्लॉग क्रम्बलिंग करते हैं। ये इतना डस्टी टेक्स्चर है, आप लोग इसकी व्लॉग क्रम्बलिंग मुझे पूरी उम्मीद है बहुत इन्जॉय करेंगे। मैंने स्पेशली बकेट खुद उसी खाली की है ताकि इसमें मैं ना व्लॉग क्रम्बलिंग कर लूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्स्चर है, अब फुल जून जुलाई वाली गर्मी शुरू हो गई है। तो भाई टेक्स्चर्स देखें ज़रा, मैं पूरी मिट्टी से भर जाती हूँ वीडियो बनाती हुई, और मुझे रोज़ जाके मेरा शावर लेना मैंडेटरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है भाई। आप लोग बताएं आप लोगों के एरिया में गर्मी के क्या हालात हैं, ख़ासतौर पे एयर स्मार्टी जो मुझे देख रही हैं वो तो लाजमी बताएं। बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो है, ये व्लॉग बनाने का मज़ा ही तब आता है जब आप ना उसमें काफ़ी सारी क्रम्बलिंग करो, जो सही बात है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये व्लॉग क्रम्बलिंग कैसी लगी है, और ये दोनों वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। और जिस बंदे का इस व्लॉग के नीचे कमेंट होना वो मेरी वीडियोस को भी ज़रूर देखें, और वीडियोज़ के नीचे भी लाजमी कमेंट करें ताकि मुझे श्योर हो जाए कि व्लॉग देखने वाले वीडियो भी देखते हैं और वीडियो देखने वाले व्लॉग भी देखते हैं। ठीक है, मैं क्रम्बलिंग के दौरान इसलिए नहीं बोल रही कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि किस कदर डस्ट है, पर सारी मेरे मुंह के अंदर, मेरे नाक के अंदर जाती है। चलें जी, मेरा ख्याल है इस टेक्स्चर की इतनी व्लॉग क्रम्बलिंग इनफ है। मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ अपने वर्क प्लेस की दूसरी जानेब, जहाँ पर मैंने कल ये प्योर सैंड की लॉन्ग बार्स जो है वो क्रम्बलिंग की थी और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। ये देखे ज़रा किस कदर ज़बरदस्त है। और फिज़ान ने आज फिर छुट्टी कर लिया माशाल्लाह, परसों भी फिज़ान की छुट्टी थी, फिज़ान कल लाया एक टेक्स्चर बनाया है, मेरी एब्सेंस में बनाया है वो भी, और आज उसकी फिर छुट्टी है, क्या करे फिर बंदा। कुछ कह दूँगी तो फिर इसने मुंह बना लेना है। ये देखे ज़रा किस कदर मुझे ना इस ऐसे टेक्स्चर्स की क्रम्बलिंग का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये ना मुझे ख़ुद को बड़ा सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, इनकी फ्रेगरेंस बहुत खूबसूरती इससे आ रही होती है। और आप सब लोग बताएं आप लोग कैसे हैं, ठीक है, मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं, ये स्मार्ट वाली। और अगर किसी की कोई डिमांड है कि इसी इस तरह वीडियो बनाएँ, इसी उस तरह वीडियो बनाएँ, व्लॉग इस बारे में व्लॉग बनाएं, क्योंकि मेरे पास व्लॉग के टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, तो अब जो भी बंदा मेरे से व्लॉग की डिमांड करेगा ना, ये प्लीज़ प्लीज़ काइंडली वो मुझे ये भी बताए कि इजी किस जो है वो टॉपिक पे व्लॉग बनाए। ठीक है, तो मैं यार डेफिनेटली आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँगी, बस आप मुझे काइंडली जो है ना थोड़ा सा बता दिया करें कि इजी आज आप इस चीज़ पर व्लॉग बना लें ताकि फिर मुझे उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आपने कहा था फ़नी स्टोरी सुना दें मिनी के साथ कोई सी, तो वो मैंने सुना दी। क्रम्बलिंग नहीं की थी दो तीन दिनों से मैंने व्लॉग के अंदर, तो मैंने कहा चलो यार आज काफ़ी मज़ेदार सा टेक्स्चर है तो इसकी ना व्लॉग क्रम्बलिंग कर देते हैं, लोग भी राज़ी हो जाएंगे, तुम भी व्लॉग बना लोगी। क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि इजी बस व्लॉग बना दिया करें, जैसा मर्ज़ी बना दिया करें, लेकिन बस बना दिया करें। मुझे उनका नाम याद नहीं है उस लड़की का जिनका ये कमेंट था,
कि बस व्लॉग बनाया, उस चीज़ ने ही मुझे मोटिवेट किया कि चलो अच्छा यार आज मैं ना व्लॉग रनिंग कर लेती हूँ, अगर नहीं कोई टॉपिक है ना तो चलो व्लॉग रनिंग कर लेती हूँ। बाकी मिनी आएंगी तो वो भी अपने अच्छे अच्छे मज़ेदार से व्लॉग लेके आएंगी। उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है 10 डेज तक आना है दोबारा, ससुराल गई हुई हैं तो मेरा ख्याल है कि 10-12 दिन तक उन्होंने चक्कर लगाना है। तो लेट्स सी, फिर आप लोगों को व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे मिनी के, और मे भी थोड़ी सी क्रमलिंग भी मिले मिनी की, क्योंकि उनकी बेटी अभी बहुत ज़्यादा छोटी हैं 3 मंथ्स की, तो वो बहुत तंग करती हैं, तो फिर वो मिनी को ना इजाज़त ही नहीं देती कि छत पे जाओ। जैसे मिनी आती है वो पीछे से ना रोने बैठ जाती है, और जब वो रोती है ना तो वो किसी के से भी चुप नहीं होती माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा डांटी बच्ची है हमारी। अभी वैसे मिनी आई हुई थी परसों, घर में दावत थी मिनी की, तो मिनी आई हुई थी लेकिन वो सिर्फ 2 आवर्स के लिए आई थी, और आई भी रात के टाइम थी, तो फिर इसलिए व्लॉग वगैरह पॉसिबल नहीं हुआ। और यार अब तो वैसे भी इतनी गर्मी आ चुकी है ना कि अब पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे मुँह चक्के ना और काम पे चले जाओ, ना ही भाई, अब तो आपको प्रॉपर घिसे पिटे कपड़े पहनने पड़ते हैं वीडियो बनाने आने के लिए, बंदा पसीने हो जाता है। मैं तो लिटरली इतना हैरान हूँ, विद इन 2 डेज गर्मी आती है ना, आस्ता आस्ता आती है यार, इस दफ़ा तो गर्मी ने एकदम ही धाबा बोला है। मुझे बताया कौन कौन इस बात से रिलेट कर रहा है कि यार इस दफ़ा गर्मी इको दम ही आ गई है, मतलब कि नहीं आ रही थी पहले, मौसम अच्छा था, अब जब आई है तो कसम से देख ही नहीं जा रही इस कदर जो है वो ज़्यादा गर्मी आ गई है, पसीनी। और लिटरली अभी आज स्ट्रक्चर बनाया होता है और शाम को आओ ना तो वो सूखे सवा हुआ हुआ होता है, इतनी ज़्यादा तपिश वाली धूप लगती है और हवा नहीं चलती। हमारे तो यहाँ पर एसी चलना शुरू हो गए हैं। आप बताएँ आप लोगों का क्या सीन है, आप लोगों की तरफ गर्मी का क्या सीन है, क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं आप लोग, प्लीज़ जैसे अब हम लोग मुझसे पूछते हैं ना इजी, बताएं आप क्या करती हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ रहती हैं, दिस एंड दैट। तो यार आप भी तो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो ना, आपने अब इस व्लॉग के नीचे मुझे बताना है कि आप लोग क्या करते हैं, ख़ासतौर पर जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं ना, जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है, उन्होंने तो लाजमी मुझे इस व्लॉग के नीचे कमेंट करके बताना है कि वो कौन, वो क्या करते हैं, आइदर वो स्टूडेंट्स हैं, आइदर वो जूबियंस हैं, वो मैरिड हैं, नॉन मैरिड हैं, या वट एवर, क्या उनका लाइफ स्टेटस है इस टाइम, वो उन्होंने मुझे ज़रूर बताना है। मेरे अंदर ये चीज़ बहुत इंटरेस्ट डेवलप करेगी, तो फिर उसके रिगार्डिंग अगर आप लोग मेरे से कोई व्लॉग डिमांड करेंगे तो आई विल डेफिनेटली वेट फॉर माई ऑडियंस। लेकिन भाई इसमें आपने मुझे इस व्लॉग के नीचे कमेंट करके बताना है कि आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, किधर रहते हैं ख़ास तौर पर, कितने बहन भाई हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी अपने बारे में बताएँ ताकि मुझे भी अपनी ऑडियंस का पता चले कि यार वो कहाँ से है, किधर के रहने वाली है, क्या करती क्या है भाई मेरी ऑडियंस, कितने बहन भाई हैं, क्या करते हैं। तो यार ये चीज़ हमें फिर जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा इंगेज रखेगी, तो वो पीपल इन्जॉय दिस थिंग अलॉट, ठीक है। आई थिंक सो दिस इज़ इनफ फॉर टूडेज़ व्लॉग। मेरी आपने डिमांड ज़रूर पूरी करनी है, मैंने आप लोगों की हैं तो आप लोगों ने मेरी भी लाजमी करनी है। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है आज की दोनों वीडियोज़ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी, ये बहुत डस्टी वीडियोज़ हैं, बहुत कमाल वीडियोज़ हैं। मैंने यहाँ पर ट्राईपॉड रखा हुआ था तो कितने मज़े के सुराख वहाँ पर हो गए हैं। चलिए खैर, आप लोगों ने लाजमी मेरी विश पूरी करनी है, आई विल वेट फॉर यू गाइज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।